अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अमारा एंड आई विल डिलीवर लेक्चर्स ऑफ स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी। स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगी। अच्छा, इस तरह से है कि ये हमारे पास एक फ़्लो शीट है, इसे मैंने फ़र्स्ट एड से, एक बुक है फ़र्स्ट एड, वहाँ से लिया है। When I was a student, तो ये वाला जो फ्लो शीट डायग्राम थी, इट हेल्प मी अलॉट। क्योंकि आप जब एक दफ़ा बुक से चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर सारे जो बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा सिमिलर हैं उनकी क्लिनिकल प्रॉपर्टीज़ में, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, कि आपको फिर सारा एंड पे याद नहीं रहता। इसलिए ये फ़्लो शीट से आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें बैसिला हैं, कोकाए हैं एंड ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोकाए से। ठीक है, बैक्टीरिया की जो डिवीजन है, बैसिला मींस रॉड शेप, कोकाए मींस राउंड, फिलामेंट्स मींस ब्रांचिंग, जो लंबे लंबे उसमें फिलामेंट्स की फॉर्म में रन करें। ठीक है, कोकाए को डिवाइड किया हुआ है कैटलेज पॉजिटिविटी की वजह से। एक एंजाइम है कैटलेज, उसकी पॉजिटिविटी की वजह से स्ट्रेप्टोकाइनेज में और स्टेफलोकाइनेज में। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेफलोकोकाए की तरफ आएंगे, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकाए एंड स्टेफलोकोकाए। ठीक है, स्टेफलोकोकाए आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोएगुलेज एंजाइम। मैं आपको आगे ये एक्सप्लेन करूँगी कि ये कोएगुलेज क्या, बेसिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोएगुलेज पॉजिटिविटी की बेस पे स्टेफ ऑरियस और इसकी नेगेटिविटी की बेस पे सेप्रोफिटिकस एंड एपिडर्माइडस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेफलोकोकाए ऑरियस। ये सारी स्टेफलोकोकाए फैमिली का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल ग्रुप है। ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी है कि ये सिंपल एब्सेस से लेके सेप्टिक शॉक तक इतनी ड्रेडफुल डिजीजेस कॉज कर सकता है। ठीक है, सो देर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिसने इसको पावरफुल बनाया हुआ है। ठीक है, अपने सारे भाइयों में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई ख़ास बात है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसको इसमें कुछ विरुलेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक चीज़ इसकी माइक्रोबायोलॉजी की आप देख लें कि वोकैबुलरी, सॉरी प्रोनंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों के सीनियर्स में एक्सटर्नल आया और अनफॉर्चुनेटली ही वाज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसने बहुत माइंड किया कि सब लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो बैक्टीरिया की प्रोनंसिएशन बहुत बुरी उनकी है। जैसे कुछ स्टेफलोकोकाइस को एयूरियस बोल रहे थे। इट्स ऑरियस, ऑरियस मीन्स ऑरा, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स दैट इज ऑरा। ऑरा मीन्स गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी कॉलोनीज का कलर गोल्डन कलर होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कोएगुलेज प्रोडक्शन, कोएगुलेज एंजाइम है जो प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट करता है और क्लॉटिंग इनिशिएट करा देता है। स्टेफलोजेंथीन ये एक पिगमेंट है जो इसकी कॉलोनीज को गोल्डन कलर देता है और इसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और इट हैज़ प्रॉपर्टी टू फर्मेंट मैनीटोल जो आरबीसीज को हेमोलाइज करता है। सॉरी, अच्छा अब है सेल वॉल कंपोनेंट्स। इसके सेल वॉल में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं विच आर मेकिंग इट मोर पावरफुल, मोर विरुलेंट देन इट्स अदर काउंटर पार्ट्स। प्रोटीन ए, ठीक है, प्रोटीन ए का क्या फंक्शन है कि इट बाइंड्स टू द एफ सी कॉम्पोनेंट ऑफ आई जी जी ग्लोबुलिंस, और क्या है कि जो पेशेंट का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको एक्टिवेट होने से रोकते हैं। अब ये आप लोग अपनी जनरल पैथोलॉजी में काफ़ी डिटेल में लेक्चर्स पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। टिकॉइक एसिड विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू म्यूकोजल सर्फेसिस। पॉलीसेक्राइड कैप्सूल जो उसकी मेन विरुलेंस का रिस्पॉन्सिबल है। सरफेस रिसेप्टर्स एंड पेप्टिडोग्लाइकेन्स। एक चीज़ याद रखें, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स हैं बेसिकली स्टेफ ऑरियस एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस पेप्टिडोग्लाइकेन्स अरेंजमेंट दे कैन समटाइम्स एक्ट ऑल्सो एक्ट एज एंडोटॉक्सिन्स।
ओके आई एम सॉरी अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट इसमें आ रहा है। अच्छा जब हम सारी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लेंगे तो मैं आपको ब्रीफ करूँगी कि जब आपको सिनेरियो आता है इस तरह से कि कुछ स्टूडेंट्स थे वो कल रात को हॉस्टल से निकले, उन्होंने बाहर जाके कुछ जंक फूड खाया और जब वापस आए तो विद इन 4 आवर्स अगर उन्हें फूड पॉइजनिंग डेवलप हो गई है तो कौन सा बैक्टीरिया है, अगर उन्हें 2 दिन के बाद फूड पॉइजनिंग डेवलप हुई है तो कौन सा बैक्टीरिया है। तो आप एक चीज़ ये याद रखना कि जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं वो फौरन बहुत जल्दी विद इन आवर्स फूड पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है कि बैक्टीरिया एंटर हुआ उससे अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए और फौरन से उसने पैथोजेनेसिस कॉज कर दी। लेकिन जो बैक्टीरिया खुद इन्वॉल्व होते हैं अपने एंजाइम प्रोडक्शन की वजह से, वो पहले जाएंगे स्टमक में अपनी जगह बनाएंगे, एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली वो पैथोजेनेसिस भी उसी तरह लेट कॉज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंटेरोटॉक्सिन्स दे कॉज फूड पॉइजनिंग, पर्टिकुलरली वॉमिटिंग एंड वॉटरी नॉन ब्लडी डायरिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज प्रूलेंट ब्लड स्टेन डायरिया कॉज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन्स। ये ऐसे टॉक्सिन्स हैं विच आर बेसिकली कॉजिंग शॉक, ठीक है, और पर्टिकुलरली इन टैम्पन यूजिंग मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन और इंडिविजुअल्स विच हैव स्वेयर वुंड इन्फेक्शन। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन मतलब कि स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, मतलब स्किन को ऐसे उतारना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखी होंगी जिनके ऊपर लिखा होता है कि एक्सफोलिएटिंग स्क्रब्स, विच मींस के ऐसे जो ऊपर की डेड स्किन को उतारते हो, बट ऑब्वियसली दिस इज पैथोजेनिक है, तो ये सिर्फ डेड स्किन को नहीं, ये नॉर्मल स्किन को भी उतारना शुरू कर देते हैं बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टन एंजाइम्स जो डेस्मोग्लीन जो इसके टाइट जंक्शंस हैं उनको डैमेज करते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइडिन। ल्यूकोसाइडिन नेक्रोसिस कॉज करते हैं, दे आर बेसिकली अल्फा टॉक्सिन्स विच कॉजेज मार्क्ड नेक्रोसिस। देन एज मार्क्ड नेक्रोसिस एंड ल्यूको मीन्स वाइट, तो ये वाइट ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू एंजाइम्स हैं कोएगुलेज, जैसे मैंने पहले बताया जो थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करते हैं, फिब्रिनोलाइसिस, प्रोटीएसिस, न्यूक्लिएसिस एंड लाइपेज। नाउ क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमारे पास लाइक आई सेड के सिंपल पायोजेनिक एब्सेस से लेके इतनी स्वेयर सेप्टिक शॉक तक की डिजीजेस स्टैफ ऑरियस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो पायोजेनिक एब्सेस में हमारे पास स्किन इन्फेक्शंस, सेप्टिसीमिया, एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस, पोस्ट सर्जिकल वूंड इन्फेक्शन, निमोनिया एंड एब्सेसेस। माइक्रो के हर बैक्टीरिया की इतनी एक्सटेंसिव पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपकी लिखी हुई हैं कि आप इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से पॉइंट्स बना के रख लो, क्योंकि ऑब्वियसली क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आपको नोट तो आना नहीं है, वो इसी तरह से आएगा कि उसी में से सिनेरियो निकाले होंगे, ठीक है। ओके अच्छा नेक्स्ट इज स्टैफ एपिडर्माइडस एंड स्टैफ सेप्रोफिटिकस। ये वो बैक्टीरिया थे जिन्हें हमने कैटालेज पॉजिटिविटी की बेस पे स्टेफलोकोकाइल के ग्रुप में तो आने दिया था, बट कोएगुलेज नेगेटिविटी की बेस पे इन्हें सेपरेट रखा था, ठीक है। ये उतने विरुलेंट नहीं हैं, ये इनके पास उतने पावरफुल रिसोर्सेज नहीं हैं, लाइक इनके पास वो प्रोटीन ए, टिकॉयक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स, वो सब चीज़ें इनके पास नहीं हैं, इसलिए ये अपने सारे भाइयों में से सबसे ज़्यादा वीक वो हैं, बट दे आर बैक्टीरिया, ये डिजीजेस तो कॉज करते हैं, ठीक है। स्टैफ एपिडर्माइडस एंड स्टैफ सेप्रोफिटिकस, ठीक है। जो एपिडर्माइडस है ये प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स पर लगता है, जैसे ये जो कार्डियक सर्जरीज में मेटेलिक वेल्व्स लगाते हैं उन पे पेरिटोनाइटिस इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर कॉज करते हैं। और स्टैफ सेप्रोफिटिकस की बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉज फीचर है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। ये चीज़ें याद करने वाली है बहुत, क्योंकि चंद ही बैक्टीरिया हैं जो यूटीआई कॉज करते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो यूटीआई कॉज कर सकते हैं। दिस इज
अच्छा, ये कुछ स्किन डिजीजेस हैं जो स्टेफलोकोकस ऑरियस कॉज करता है। यहाँ पर शायद पिक्चर उतनी क्लियर ना हो, लेकिन ऑब्वियसली घरों में आपके पास इंटरनेट है तो आपने इन सब की डेफिनेशन खुद से ज़रूर एक दफ़ा सर्च कर लेनी है कि ये बेसिकली हैं क्या। फॉलिक्यूलाइटिस, एम्पेटाइगो, ये बेसिकली नोज़ एरिया को और ये ओरल एरिया को कवर करते हैं, लेकिन इसकी एक दफ़ा आपने सबने अगर आप लोग फेस टू फेस अगर मैं लेक्चर डिलीवर कर रही होती तो ये मैं आपको होम असाइनमेंट देती कि इन सब टर्म्स को आपने अपने घर में सर्च करना है और याद करना है। फेरल सेलुलाइटस, नेक्रोटाइजिंग फिशाइटस, हाइड्रा एडिनाइटस सुपरेटिवा इन आर्म पेट्स, कंजंक्टिवाइटस, स्कैल्डर्ड स्किन सिंड्रोम, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, लैब डायग्नोसिस, हर बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सिनेरियो सॉल्व कर, एक पहले वो आपको एक सिनेरियो बेस्ड रिडल देंगे कि हाँ भाई ये इस तरह से बैक्टीरिया है, फलाना है। पहला तो उसका क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका डायग्नोसिस क्या है। नेक्स्ट, एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि हर बैक्टीरिया में नेक्स्ट चीज़ वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर द लैब डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, कि आप इस बैक्टीरिया को लैब में कैसे डायग्नोस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्मियर्स बना के उस पर ग्राम पॉजिटिव कोकाई होंगे इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, ये याद रखना है। मैं हमेशा इसको इस तरह से याद करती हुई थी कि क्लस्टर्स में भी एल आता है और स्टेफलो कोकाई में भी एल आता है, और स्ट्रेप्टो कोकाई जो दूसरी फैमिली है वो चेन्स में एग्जिस्ट करती हैं इसलिए वो स्ट्रेप्टो कोकाई हैं, ये क्लस्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए ये स्टेफलो कोकाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्डन येलो कॉलोनीज ऑन कल्चर, बीटा हिमोलिटिक्स, मैनिटोल सॉल्ट एगर, ये इंशाल्लाह जब आप लोग वापस आएंगे तो आप लोगों को लैब में ये सारे एगर्स ज़रूर दिखाएंगे। एगर्स आर बेसिकली वो मीडियम हैं जिनके ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, उनके स्पेसिफिक जितने भी उनको चाहिए सब्सटेंसेस ग्रो करने के लिए वो सब कुछ करवा सकते हैं। फर्मेंट्स मैनिटोल, लोअर्स पीएच, टर्न्स येलो। ठीक है, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफलोकोकाई अगर होंगे तो कोएगुलेज नेगेटिव कौन से हैं, स्टैफ एपिडर्माइडस एंड स्टैफ सेप्रोफिटिकस, तो दे विल बी फॉर्मिंग वाइट कॉलोनीज इंस्टेड ऑफ गोल्डन, वो नॉन हिमोलिटिक हैं, और नोवोबायोसिन एक एंटीबॉडी एंटीबायोटिक है उसकी सेंसिटिविटी की बेस पर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है कि खैर ये मैं आपको लेटर ऑन सारा एक्सप्लेन। ओके, आई एम सॉरी अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट इसमें आ रहा है। अच्छा, जब हम सारी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लेंगे तो मैं आपको ब्रीफ करूँगी कि जब आपको सिनेरियो आता है इस तरह से कि कुछ स्टूडेंट्स थे वो कल रात को हॉस्टल से निकले, उन्होंने बाहर जाके कुछ जंक फूड खाया और जब वापस आए तो विद इन 4 आवर्स अगर उन्हें फूड पॉइजनिंग डेवलप हो गई है तो कौन सा बैक्टीरिया है, अगर उन्हें 2 दिन के बाद फूड पॉइजनिंग डेवलप हुई है तो कौन सा बैक्टीरिया है। तो आप एक चीज़ ये याद रखना कि जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं वो फौरन बहुत जल्दी विद इन आवर्स फूड पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बैक्टीरिया एंटर हुआ, उससे अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए और फौरन से उसने पैथोजेनेसिस कॉज कर दी, लेकिन जो बैक्टीरिया खुद इन्वॉल्व होते हैं अपने इन